जेकेपी सब इंस्पेक्टर, इतना तो कन्फर्म है इस बार कि जो इस बार सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं वो अपने बच्चों की बात जरूर बोलेंगे। बेटा तुम्हें क्या पता तुम्हारे बाप कितना मेहनती था। तुम्हारे बाप ने 1.5 महीने में सब इंस्पेक्टर का पेपर पास करा था। आगे उनके बच्चे भी आगे इनको पता कैसे जवाब देंगे। पापा, आपने सब इंस्पेक्टर का पेपर इसलिए नहीं पास करा क्योंकि मेहनती थे। आपने सब इंस्पेक्टर का पेपर इसलिए 1.5 महीने में पास किया क्योंकि जेकेएसएसबी ने आपको 1.5 महीने का टाइम दिया था। तो स्टार्ट करते जेकेएसएसबी, जेकेपी, हम सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। ये मैं क्यों बताना चाहूँ इस तरह की बातें, यहाँ पर देखो फंडा के चलते आपको सिर्फ 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए। कल जो नोटिफिकेशन आया उसमें कह दिया क्लियरली कि 15 फरवरी से जो आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो स्टार्ट होने जा रहा है। अब फंडा यहाँ पर ये रहता है कि फाइनेंस एसआई की बात कर रहे हैं, इसकी कोई डेट है ही नहीं है। पटवारी जैसे एग्जाम की बात करेंगे उनको कुछ अता पता नहीं कि वो कब होने वाला है। और भी कई सारे इश्यूज हैं, उनको छोड़कर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पेपर की बात करेंगे। वो फरवरी के मंथ में आ गया है। सिलेबस आप सभी ने देख लिया, सिलेबस किस तरह का सिलेबस है और इतने जल्दी एग्जाम आने वाला है। और दूसरी तरफ बात करेंगे कई सारे सिचुएशन को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। कैट की बात करेंगे, लगे हुए अपनी तरफ से कि पहले 37 बच्चों को परमिशन दे दी कि जिनकी एज लिमिट 33 बोली थी तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, करते करते फिर 137 को और दे दी। अब कई सारे बच्चे और अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी एज रिलैक्सेशन दी जाए, हम भी वहां पर अप्लाई कर सकें। अब हो सकता है कि जेकेएसएसबी भी चाहते हो कि इतने बड़े केस उठने से पहले पहले हम रिटर्न करवा लें, या हो सकता है कि इस तरह के कई सारे रीजन वहां पर हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जेकेपी सब इंस्पेक्टर जो है एग्जाम आपका इतने जल्दी आने वाला है। अब करना क्या है वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले जेकेएसएसबी के आजकल दो डायलॉग चल रहे हैं सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे उसको लेकर। वो डायलॉग क्या है? पहला डायलॉग तो जेकेएसएसबी का ये रहता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो ये डायलॉग तो चल रहा होगा अभी जेकेएसएसबी का, जो कहा था कि एसआई का पेपर करवाएंगे, पटवारी का पेपर करवाएंगे, वो करवा नहीं रहे, और जिसके बारे में कहा नहीं था जल्दी होगा वो जल्दी हो गया। अब बात आती है कि जेकेएसएसबी को रोकेगा कौन, कि जेकेएसएसबी को कौन रोकने वाला कि पेपर करवाने से पहले। तो जेकेएसएसबी यहाँ पे कहता है सिर्फ दो लोग मुझे रोक सकते हैं। वो दो लोग कौन है? पहला मैं खुद, और दूसरा कौन है? दूसरा है ओमिक्रॉन। ये दो बंदे हैं जो कि जेकेएसएसबी को जल्दी पेपर करवाने से रोक सकते हैं। अब देखते हैं पेपर रुकता है या नहीं रुकता। बट जो भी है, अगर हम मान के चलते हैं कि आपका पेपर फरवरी के मंथ में ही होता है, अगर आपका पेपर फेब के मंथ में ही होता है तो इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस करना आप सभी को पता है डिफिकल्ट बन जाता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप सारे तैयारी करना छोड़ दोगे, हमें पेपर पढ़ना ही नहीं है, वो सब काम भी नहीं कर रहे ना। अब हम एक काम क्या करते हैं, इतना तो क्लियर है कि स्टूडेंट यहाँ के जम्मू कश्मीर के बोलते हैं कि हम एलियन हैं क्या, 1.5 महीने में पूरा पेपर कवर कर लेंगे। अब आपको करना क्या वो बात ध्यान से समझो। पहले आपको पता है हम यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, काफी अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज भी वहाँ पे कवर कर रहे हैं और डेप्थ में आपको करवाया जा रहा है इंडियन पॉलिटी का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे वो वीडियोस देख रहे होंगे, क्वेश्चन सीरीज उसकी बनी थी वो भी देख रहे होंगे। तो पॉलिटी अगले 15-20 दिन की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम कि जो बच्चे सीरीज होकर तैयारी करना चाहते हैं वो अगले 15-20 दिन कैसे निकालेंगे। जब ये 15-20 दिन हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे किस तरह की सिचुएशन बन रही है, फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी फिलहाल 15-20 दिन में हमने क्या करना है, पॉलिटी को इसी स्पीड में करना, हो सकता है जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 15-20 दिनों में आपको क्या क्या करना है मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं। एक तो पहला ये कि पॉलिटी को हमने अच्छे से कवर करना है जैसे हम कवर कर रहे हैं, ताकि पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे कवर हो जाएं। दूसरी बात आती है हिस्ट्री की। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे हालांकि कई सारी वीडियोज हैं, बट मॉडर्न इंडिया जो है वो हमने अच्छे से कवर करा हुआ है, एसआई लेवल का कवर करा हुआ है। हालांकि अब हमारे पास टाइम कम रह जाता है तो आपने क्या करना है, उसी प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे। वीडियोस को सीक्वेंस में अरेंज करा हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में मिडिवल हिस्ट्री भी है इंडियन की और हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री भी है इंडिया की। हालांकि वो इतने डेप्थ में नहीं करवाई हुई है, बट आपने बेकाम करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मॉडर्न इंडिया भी वहीं से पढ़ लो, उसी प्लेलिस्ट में वो तो अच्छे लगा करवाया हुआ है। मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री भी कवर कर लो। हम क्या करेंगे, आप देखो इसके 28 लेक्चर हैं, ज्यादा ड्यूरेशन है नहीं वीडियोस के, तो आप एक दिन में 2-3 लेक्चर भी कवर कर सकते हो, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर इस हिसाब से चलोगे तो आप 7 दिन में, 1 हफ्ते में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। अगर काफी अच्छे से मेहनत करोगे 1 हफ्ते में हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। अब हिस्ट्री को डेप्थ में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम पे हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। जल्दी ही हम क्या करेंगे, पॉलिटी आपकी चलती जा रही है, साथ में हम हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जहां पे हिस्ट्री के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो वहां से आपने कंसेप्ट पहले पढ़ लिए होंगे, स्टोरीज पहले समझ ली होंगी, सब कुछ रिलेट आपने करवा लिया होगा, क्वेश्चन सीरीज में जो छूट गया होगा वो क्वेश्चन सीरीज में कवर कर लेंगे।
तो हिस्ट्री आने वाले 15-20 दिनों में आपकी इस तरह से कवर हो जाएगी। लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन सीरीज में करवा दूंगा। पॉलिटी आपकी चलती ही जा रही है, आने वाले 15-20 दिनों में ये रहने वाला है। और साथ ही साथ रीजनिंग जो प्लेलिस्ट बनी थी ना एसआई के नाम से, वहां पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। वहां पर मैं और वीडियोस बनाता जाऊंगा और वीडियोस वहां पे ऐड करता जाऊंगा। सीक्वेंस में अरेंज करूंगा वीडियोस को, वो वीडियो जाके देखते जाना। रीजनिंग आपके लिए वो भी कवर रहने वाली है। तो मतलब जो नए लेक्चर आपके सामने आने वाले हैं वो पॉलिटी के आते रहेंगे, रीजनिंग के आते रहेंगे और हिस्ट्री की बात करेंगे, इसकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। देखो सब कुछ छोड़ने से अच्छा कुछ तो कवर कर लिया जाए। फिलहाल हम पूरे फरवरी तक की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अगले 15-20 यानी कि जनवरी के 15-16 तारीख तक की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि 15-16 जनवरी तक हम किस तरह से तैयारी करने वाले हैं। अगर इस तरह से चलोगे पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी, हिस्ट्री आप कवर कर लोगे, साथ ही रीजनिंग भी आपकी ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगी। हिस्ट्री ये नहीं बोलता पूरी खत्म हो जाएगी, बट क्वेश्चन सीरीज चल रही होगी, रीजनिंग आपकी चल रही होगी, पॉलिटी हम कोशिश करेंगे 15-20 दिन में पूरी डेप्थ में जाके खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ आपको पता है मैथ की अगर हम बात करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि सिलेबस में मेंशन करा हुआ है वो हम प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज अरेंज आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करा हुआ है। वो वीडियोस आप देखते जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलता जा रहा है, वहां पे आप जाके देखते जाओ, प्रैक्टिस भी करते जाओ, वीडियोस भी देखते जाओ, अच्छे से कवर करते जाओ। बाकी जहां तक बात होती है मैथमेटिक्स 10th लेवल का लिखा हुआ था, अगर आपको मैथमेटिक्स आपको अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही तो JKSSB क्लास 4 वाला जो मैथ था ना, क्लास 4 वाला मैथ था, उसकी रोज की एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 10th लेवल तक का मैथ वही था तो हमने कवर करवाया हुआ है। बोली एक दिन की एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, और बट प्रेजेंट में जो DI वगैरह करवा रहे हैं वो आपको कवर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स पूरे 2021 के ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। स्ट्रैटेजी ये थी कि करंट अफेयर्स आपको मैं सेक्शन वाइज करवाऊंगा, बट अभी सिलेबस जल्दी आ चुका है आपके सामने तो करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज हम थोड़ा डिले करेंगे, वो एग्जाम से कुछ दिन पहले कवर करेंगे। अभी जो पूरे साल के करंट अफेयर्स कर लिए, डेली करंट अफेयर्स आते रहेंगे, उस पर फोकस करना, अभी इस पर ज्यादा फोकस हम नहीं करने वाले हैं। और इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट भी बनी है, वहां पर भी कुछ वीडियोज को अरेंज करा हुआ है इंग्लिश SI के नाम से, वो भी वीडियोज भी आप देख सकते हो। अगर इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट करोगे तो एक दिन में आपको कम से कम 4-5 घंटे निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, सिर्फ इन सभी को कवर करने के लिए। और अगर आप SI बनना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, इतनी मेहनत तो बनती है भाई कि दिन में 4-5 घंटे कम से कम पढ़ा जाए। हालांकि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सबको कवर करने में आपको 4-5 घंटे निकल जाएंगे अच्छे से कवर करने में। बाकी रिविजन भी तो करनी है, मॉक वगैरह भी करने हैं, जो आपको क्विज वगैरह मिलते जाएंगे टेलीग्राम पे, वो सब भी कवर करना है। तो एटलीस्ट 4-5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इतने पोर्शन के अकॉर्डिंग अगले 15-20 दिन जो स्ट्रैटेजी बनाई आप वो कवर कर लोगे। क्लियर हो गया? इतना काम आपको करना पड़ेगा, फ्रेश हो चाहे जैसे मर्जी हो, इतना काम आपको आराम से करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बनने वाला है, वरना भूल जाओ SI का पेपर पास होने वाला है। अभी जो ये वाला कांसेप्ट बात बता रहा हूं ना, इससे भी आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर होगा फरवरी तक, लेकिन हां हम एक ऐसी लिमिट तक पहुंचने का ट्राई करेंगे जहां पे मैक्सिमम सिलेबस कवर हो सके। बट एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट पहले क्लियर कर लो, क्योंकि JKSSB ने बताया नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, हमें वो भी फंडा क्लियर नहीं है कि हम अगर ज्यादा मार्क्स पहले कवर कर लेते, लेकिन हां हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते कि पॉलिटी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो हमारे पास आते हैं इनसे ज्यादा पेपर आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा इनके बारे में लिखा हुआ स्पेशल मेंशन करा हुआ है, हम ये कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद हमारे पास टाइम बचेगा, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लेंगे, साइंस वगैरह ये सब कवर करना स्टार्ट करेंगे जितना कवर हो सकेगा। बट फिलहाल 15-20 दिन की स्ट्रेटजी आपके सामने है, आपने इस तरह से पढ़ते जाना है और वीडियोस को शेयर करते जाना है। क्लियर हो गया? ये वीडियो मैंने इस तरह से क्यों बनाई थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हो सकता है JKSSB के किसी कोई भी वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूं तो ये वीडियो पहुंचे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने इतने सारे एग्जाम जो इतना डिले वगैरह करवा दिया, हालांकि मानता हूं कि आपकी भी गलती नहीं होती, कई बार पीछे से आपको रूल्स वगैरह का इशू वगैरह आता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हक में भी होती हैं, आपके हाथ में भी होते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एटलीस्ट कुछ 15-20 दिनों का टाइम और मिल जाए, ताकि बच्चे थोड़ा अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस 2 महीने में भी होता नहीं कि 2 महीने में इतना सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, बट फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम 15-20 दिन का टाइम और मिल जाए किसी तरह से, ताकि थोड़ा सिलेबस बच्चे और कवर कर सके, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होता है, बट डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अकॉर्डिंग कवर करते जाओ। बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो, टेंशन वगैरह भी टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन कर लो, वहां पे आगे की जो भी बातचीत हुआ करेगी बीच में अपनी तरफ से मैं टेलीग्राम पे पोल करवा दिया करूंगा, स्ट्रैटेजी बनाया करूंगा, वहां पे बातचीत कर लिया करेंगे, तो जो भी मैसेज होगा मैं वहां पे डिलीवर करूंगा। बार बार यूट्यूब में वीडियो नहीं बना सकते इन चीजों को लेकर, तो वहां पे सब कुछ आपको बता दिया करूंगा, टेलीग्राम जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो जाकर जरूर देखना, और वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट चेक करूंगा मैं आपका कि आज कितने कमेंट हैं, जो भी आज कमेंट आएंगे इसका मतलब है अभी इस वीडियो में वो बच्चे वहां पे पहुंच रहे हैं। रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी ऐसा है कि टेंशन वगैरह मत लेना, आपके चाहते हो JKSSB से वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पेपर डिले होना चाहिए इसी डेट पर, ठीक है आपके क्या